नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो होगी हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश टाइमर और स्पिन टाइमर के कनेक्शन किस प्रकार करें। दोस्तों, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू विजिट किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का वॉश टाइमर है जो कि 4 वायर का है। इसमें 4 तार दिए हुए हैं। सबसे पहली वायर जो है ये है ऑरेंज वायर, और इसमें आगे एक थिम्बल लगा हुआ है। ये बर्जर की लाइन है, ये वायर सीधी बर्जर पर जाएगी, और इसके बराबर की जो वायर है ब्लैक वायर, ये ब्लैक वायर हमारी मेन वायर है। इसमें फेस आएगा नीचे से, वॉशिंग मशीन में इस नीचे से फेस आएगा, और इससे आगे 2 वायर दी हुई हैं, इसमें येलो वायर और एक रेड वायर। इन दोनों वायरों में जब हम टाइमर को ऑन करेंगे, दोनों वायरों में फेस बारी बारी से आता है, कभी येलो वायर पर आएगा कभी रेड वायर पर आएगा। और ये तीनों वायर जो कि नीचे तक जाएंगे, काफ़ी बड़ी वायर है। इसमें केवल एक वायर जो कि बर्जर के लिए है, छोटी वायर है। जब हम टाइमर को ऑन करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यूटी टेस्टर से इसे टेस्ट करेंगे कि किस प्रकार दोनों वायरों में फेस बार बार आ रहा है। ये देखिए, कंटिन्यूटी टेस्टर से हम टेस्ट करेंगे। हम पहले टाइमर को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने कंटिन्यूटी टेस्टर के एक प्रोब को ब्लैक वायर में लगा दिया है, और आगे हमारे पास ये 2 वायर हैं जो कि रेड वायर और येलो वायर है। अब हम देखते हैं कि कौन सी वायर में कंटिन्यूटी आ रही है। इसमें रेड वायर में नहीं आ रही। ये देखिए, येलो वायर में हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर ग्लो हो रहा है, लेकिन अब बंद हो चुका है। अब हम रेड वायर में देखेंगे। अब हमारी कंटिन्यूटी रेड वायर में आ चुकी है। अब यहाँ से चली गई फिर येलो वायर में। हमारे ये देखिए, येलो वायर में सर्किट पहुँच चुका है। इससे होता क्या है, मोटर चक्र बदलती है और ये कैपेसिटर पर दोनों वायर लग जाएंगे। इसी से कपड़े वाश होते हैं। कभी पल्सेटर एक साइड में चलता है, कभी दूसरी साइड में चलता है, इसी से कपड़े वाश होते हैं। तो दोस्तों, टाइमर का यही काम होता है कि येलो वायर और रेड वायर, जो भी वायर को हो, कलर से कोई मतलब नहीं है, जो भी वायर हो, उन दोनों वायरों में बारी बारी से करंट देना, जिससे कि मोटर चक्र बदल सके और कभी इस साइड में कभी उस साइड में फेस जा सके। इस प्रकार सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश टाइमर काम करता है। दोस्तों, ये स्पिन टाइमर है। इसमें केवल 2 वायर हैं। एक वायर में फेस आएगा और दूसरे में से आउट होगा। जब हम टाइमर को ऑन करेंगे तो जो फेस इन हुआ है वो फेस आउट हो जाएगा दूसरी वायर से। इसे भी हम कंटिन्यूटी टेस्टर से टेस्ट करेंगे टाइमर को ऑन करके। दोस्तों, स्पिन टाइमर को हमने ऑन कर लिया है, और इसकी एक वायर में कंटिन्यूटी टेस्टर की एक प्रॉप को हमने जोड़ दिया है, और यहाँ पर हम दूसरी प्रॉप को दूसरे वायर में लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर टेस्टर ग्लो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब तक टाइमर चलेगा, यहाँ पर दूसरी वायर जो कि ऑरेंज वायर है, इसमें फेज चलता रहेगा, और जैसे ही हमारा टाइमर ऑफ होगा, यहाँ पर फेज जाना बंद हो जाएगा। इसमें स्पिन टाइमर के 2 ही वायर होते हैं। एक वायर में सेफ्टी स्विच से लाइट आती है, फेस आता है, और जब हम टाइमर को ऑन करते हैं तो वो फेस आउट होकर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में मोटर पर, स्पिन मोटर पर चला जाता है। तो स्पिन टाइमर इस प्रकार काम करता है। दोस्तों, इसमें 2 ही वायर होते हैं, इसमें ज़्यादा वायर नहीं होते, केवल एक इन वायर होता है, एक आउट वायर होता है। इन में फेस आएगा, आउट से मोटर पर चला जाएगा रनिंग वायर पर। इससे मोटर रनिंग में आ जाती है और कपड़े स्पिन हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू विजिट किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए।